आप सबको मेरा प्यार भरा जय यीशु। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं माता मरियम और एलिजाबेथ का सुंदर वार्तालाप। साधारणतः वार्तालाप कब होती है? जब दो परिचित व्यक्ति आपस में मिलते हैं, वे एक दूसरे का साझा करते हैं, वे एक दूसरे के खुशी का इजहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम माता मरियम और एलिजाबेथ के वार्तालाप के बारे में सुनने जा रहे हैं, मनन चिंतन करने जा रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों एक साथ मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को धन्य कहकर पुकारते हैं और इस प्रकार उन दोनों के बीच का संबंध और गहरा हो जाता है। माता मरियम एलिजाबेथ से कहती है, आप धन्य हैं क्योंकि आपने प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के वचनों पर विश्वास किया। और एलिजाबेथ भी माता मरियम से कहती है, आप धन्य हैं नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रतिदिन हर एक सेकंड, हर एक मिनट लाखों करोड़ों लोगों से मिलते जुलते हैं। क्या हमने एक दूसरे से मिलकर खुशी का इजहार किया है? क्या हम उनकी तारीफ किए हैं या हम उन्हें उनके जो अवस्था है उनकी अवस्था से ऊपर आने के लिए क्या हमने कभी प्रयास किया है, या हमने दूसरों को गिराने की कोशिश की है, या उनकी निंदा की है, या उन्हें समाज में और अधिक से अधिक तिरस्कृत करने के लिए चेष्टा की है? तो आइए हम अपने दिल को टटोल कर देखें कि सच में इस आगमन काल में हम लोगों को धन्य कहकर पुकारे हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि जब हम सांसारिकता की व्यस्तता में अपने आप को जाने के लिए अनुमति देते हैं, तब वह डोर जो हमारे लोगों से बांधने के लिए रहता है वह हमसे दूर हो जाता है और इस तरह हमारे रिश्तेदारों से और हम जो प्यार करते हैं उनके बीच में बहुत बड़ा खाई बन जाता है। तो इस पावन क्षण में, इस पावन काल में आइए हम एक दूसरे से मिलने के लिए तत्पर रहें, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि हमारी उपस्थिति को भी पहचानने के लिए, हमारी उपस्थिति को भी देखने के लिए और हमारी खुशी को देखने के लिए भी कई सारे लोग हमारी बेसब्री से इंतजार करते होंगे। क्या हमने ये कभी सोचा है? तो आइए हम इस आगमन काल में माता मरियम एवं एलिजाबेथ की तरह लोगों के दिलों में आए, उन्हें अपनी खुशी देकर उनके बोझों से उन्हें हल्का करें और इस तरह उनके जीवन में अच्छे से अच्छे गुणों को पनपने के लिए उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।